मार्केट में अभी बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, ऐसी बहुत सारी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है जिसको आप बना के सोलर ड्रायर से काफी अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। ये सब चीज के लिए आपको बहुत सारी जहमत नहीं उठानी है। आपके घर के पास अगर टेरेस है या बरामदा है उससे भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है और 4 से 5 महीने में आपका पेबैक हो जाएगा, उसकी पूरी गारंटी है। इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपको बताएगा कि कैसे आप सोलर ड्रायर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। सोलर ड्रायर एक ऐसा डिवाइस है जो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल्स और फार्मास्यूटिकल जैसे इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट्स को नेचुरल, हाइजेनिक, इको फ्रेंडली तरीके से ड्राई करता है और साथ ही उनकी शेल्फ लाइफ को भी बढ़ाता है, जिसमें फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्रॉप्स, ग्रेन्स, सीड्स, हर्ब्स, स्पाइसेस, मीट, वुड, पेपर और अन्य मटेरियल्स शामिल हैं। सोलर ड्रायर्स एनर्जी एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव ड्राइंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है जो प्रोडक्ट्स की सेफ्टी और क्वालिटी भी इंश्योर करता है। सोलर ड्रायर 3 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और मिक्स्ड मोड, जो वेरियस ड्राइंग नीड्स को पूरा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि फैक्ट्री में सोलर ड्रायर कैसे बनाए जाते हैं। सोलर ड्रायर बनाने के लिए पहले मार्केट से रॉ मटेरियल परचेज होता है। रॉ मटेरियल का जो भी होता है सीधा CNC लेजर कटिंग के अंदर जाता है, जो एक कंप्यूटराइज मशीन होता है, यानी हमारे ड्राइंग के हिसाब से वो पूरा लेजर कटिंग से कटिंग करेगा। सीट को कैसे कहाँ से कट करना, कहाँ होल्ड करना है, कहाँ से कितना कट करना है, यानी वो एक परफेक्शन के साथ होता है। उसके बाद उसको फिर CNC मशीन के अंदर ही बैंडिंग होता है, माने कौन से एंगल पे कितना बैंड करना है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको बैंड होता है। उसके बाद वो मशीन जो कच्चा बना है वो हमारे पास वापस आता है, वहाँ हमारे वर्कशॉप के अंदर में उसके ऊपर से फाइनल सेकंड नंबर यानी फर्स्ट स्टेज पे असेंबली होती है। उसके बाद वो वापस आउटसोर्सिंग में जाएगा कोटिंग के अंदर में। कोटिंग में ये स्पेशल ग्रेड का, फूड ग्रेड का कोटिंग होता है जो हाई एब्जॉर्प्सिविटी वाला होता है और लंबा चले वैसा कोटिंग हम लोग यूज़ करते हैं। ये कोटिंग में जाने के बाद कोटिंग एक दिन कोटिंग में होएगा, उसके बाद क्यूरिंग में जाता है, क्यूरिंग के बाद वो वापस हमारे पास आता है, तब जाके उसको हम लोग फाइनल असेंबली में लेते हैं। फाइनल असेंबली में पूरा 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 का पूरा ड्रायर का अंदर एक एक चीज़ जो नट बोल्ट्स वगैरह जो भी लगना है वो सब फाइनल फिटिंग हो जाता है। उसके बाद वो पैकिंग के लिए जाता है। पैकिंग में हर एक चीज़ कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से एक एक चीज़ हमको अंदर रखनी पड़ती है, जैसे ट्रे हो गया, कौन सी ट्रे रखनी है, परफोरेटेड रखनी है, प्लेन रखनी है, SS की रखनी है, नॉन SS रखनी है, एल्यूमिनियम रखनी है, ये कस्टमर की डिमांड के हिसाब से वेरिएशन होता है। फिर कस्टमर को कहाँ पे चाहिए जो पिन कोड के हिसाब से हमको उसको पैकिंग करना पड़ता है, जैसे कि पैकिंग में वुडन पैकिंग कंपलसरी है, बल्क में अगर ऑर्डर है तो वुडन पैकिंग कंपलसरी नहीं है, वो स्पेशल टेम्पो में जाएगा। तो ऐसा बहुत सारी स्टेजेस के बाद एक फाइनल डिस्पैच के हिसाब से प्रोडक्ट रेडी होता है और हम लोग उसको फिर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। सोलर ड्रायर बनाने में यूज होने वाले रॉ मटेरियल्स हैं SS शीट, एल्यूमिनियम शीट, पॉलीकार्बोनेट शीट, सोलर पैनल, PVC पाइप्स या मेटल डक्ट्स और कास्टर व्हील। सोलर ड्रायर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बनाने में यूज होने वाली मशीन्स एंड इक्विपमेंट हैं ड्रिल मशीन, कटिंग मशीन, माइटर सॉ, बेंडिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन और वेल्डिंग मशीन। इस वीडियो में दिखाए गए प्लांट के अकॉर्डिंग सोलर ड्रायर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में लगभग 3000 से 4000 स्क्वायर फीट एरिया की रिक्वायरमेंट होगी। सोलर ड्रायर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए रिक्वायर्ड मैन पावर में 10 से 12 लोगों की जरूरत होती है। सोलर ड्रायर इंडस्ट्री को रन करने के लिए आपको 5 से 10 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। इस वीडियो में दिखाए गए प्लांट के लेवल पर सोलर ड्रायर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने के लिए आपको लगभग 70 से 80 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। रही बात प्रॉफिट की,
तो इस बिजनेस से आप 20-25% प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। सोलर ड्रायर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को स्मॉल, मीडियम या लार्ज स्केल पर शुरू करने के लिए जो जरूरी जानकारी चाहिए वो वीडियो के अंत में प्रोजेक्ट कॉस्ट के जरिए आपको मिल जाएगी। सोलर ड्रायर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए लाइसेंस और सरकारी परमिशन की भी जरूरत होती है, जो कुछ इस प्रकार है: GST रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन, फैक्ट्री लाइसेंसेस, BIS सर्टिफिकेट, ISO सर्टिफिकेट, CE सर्टिफिकेट और NOC फायर एंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने आपको बताया कि कैसे आप सोलर ड्रायर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं और इसे शुरू करने के लिए किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप भी सोलर ड्रायर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो IID से संपर्क करें और अपने मनचाहे बिजनेस मॉडल की जानकारी के लिए हमें कमेंट में बताएं। IID के हेल्पलाइन नंबर हैं 7408733333 और 7607655555, जहां आपको बिजनेस की जानकारी के साथ साथ बिजनेस शुरू करने में भी सपोर्ट दिया जाएगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडियाज के लिए एंटरप्रेन्योर इंडिया TV को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।